प्रेमचेरी नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चिकन 65। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है 700 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिए हैं और स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिए हैं। चिकन को पहले मैरिनेट कर देते हैं। उसके लिए इसको एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल पे ले लेंगे। मसाले में डालूंगी टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2/3 टीस्पून और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ में थोड़ा सा कुटा हुआ जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च। साथ में ये मैदा 2 बड़े चम्मच, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा कटा हुआ करी पत्ता, ये 1 बड़े चम्मच के करीब नींबू का रस और 1 अंडा डाल के सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देते हैं स्वादानुसार। ये देखिए सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको आधा घंटे तक रेस्ट करने देते हैं। तब तक थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक को भी छोटा छोटा कट करके रख देते हैं। 3 हरी मिर्च लिए हैं, इसको लंबाई में मैंने कट करके रख दिए हैं। अब चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस में। एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिए हैं और इसमें डाल रही हूँ खूब सारा तेल। फ्लेम को मीडियम हाई में रखेंगे और जैसे ही ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें जो मैरिनेटेड चिकन है उसको एक एक करके अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को हम पलट पलट के फ्राई करेंगे और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो आउटर लेयर है वो अच्छे से बढ़िया क्रिस्पी हो जाए और देखने में भी ब्राउन कलर हो जाए। ये देखिए अब ये हो गया है। इसको साइड में प्लेट में निकाल के रखते हैं और बाकी जो बचा हुआ चिकन है वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सारे चिकन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे तरफ। इस तरफ एक बाउल पे मैंने 100 ग्राम दही ले ली है। साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये चिकन मसाला। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये देखिए ऐसा एक बढ़िया पेस्ट बना के साइड में रख देंगे और इस तरफ कढ़ाई से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और जितना हमें चाहिए उतना तेल को हम दोबारा गरम करके उसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन और अदरक। दोनों को थोड़ी देर ऐसे भून लेंगे। उसके बाद जो हरी मिर्च हमने काट के रखे थे उसको भी हम डाल देंगे। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून और सबको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे करी पत्ता, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। उसके बाद जो हमने दही और मसालों के साथ पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। अब हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करना है। जब तक ये मसालों से तेल अलग नहीं हो जाते तब तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अब ये देखिए तेल सेपरेट हो चुके हैं। इस टाइम में जो हमने चिकन फ्राई करके रखे थे उसको सब डाल देंगे। बस अब हमने इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता फिर अच्छे से एक बार मिला लेंगे। अब हमारी चिकन 65 जो है वो तैयार है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कभी बना के खाइए, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।